ये देखिए कैसे सेवला अपने आपको वोट डलवाने के चक्कर में, ये देखिए हजार हजार पे हर लिफाफे में डाले जा रहे हैं वोट मांगने के चक्कर में। एक नहीं होगा फिर ऐसा नहीं होगा, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक आपको ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता या यूं कहें मुख्यमंत्री भी डोर टू डोर कैंपेन करने जा रहे हैं, लेकिन साथ में पैसा बटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये खबर कहां की है दर्शकों, कौन से शहर की है उत्तराखंड के, ये हम पुष्टि नहीं कर सकते। तेजी से एक वीडियो वायरल हुआ और वायरल होने के बाद वहां पर पुलिस वालों से पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में लोगों ने कहा कि आप डोर टू डोर के पीछे पैसा बंटवाने का काम कर रहे हैं। तो पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट खरीदने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं उत्तराखंड का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये कहां का है, उत्तराखंड में कौन से शहर का है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन ये वायरल हो रहा है, ट्रोल हो रहा है। अब वीडियो चूंकि सामने है तो इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता और पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं और उन्हीं के पुलिस अमले से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आप खुलेआम पैसा बंटवा रहे हैं, आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। ये आप देखें पहले वीडियो, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि पूरी कहानी क्या है। वीडियो देखें, ये देखिए कैसे सेवला अपने आपको वोट डलवाने के चक्कर में, ये देखिए हजार हजार रुपए हर लिफाफे में डाले जा रहे हैं वोट मांगने के चक्कर में। ये देखिए कैसे सेवला अपने आपको वोट डलवाने के चक्कर में, ये देखिए हजार हजार रुपए हर लिफाफे में डाले जा रहे हैं वोट मांगने के चक्कर में। ये गलत नहीं है धामी जी, तो और बताइए। एक नहीं होगा फिर ऐसा नहीं होगा, कैमरा बंद नहीं करो, कैमरा नहीं बंद होगा, लाइव चल रहा है। धामी जी आपने कानून हाथ में क्यों लिया भैया, ये सर ये चीजें आप पुलिस वाले भी आप खुले आप प्रचार करवाएंगे सर, आप मुझे बताइए सर ये क्या है, मुझे कानून सबके लिए, सर कानून सबके लिए बराबर नहीं है सर, आप बताइए मेरी क्या बदतमीजी हो रही है, क्या प्रचार आप क्या कर रहे हैं उनके साथ, डोर पर डोर नहीं हो रहा है ये, डोर पर डोर नहीं हो रहा है, डोर हो रहा है। आप पैसा बंटवा रहे हैं खुले, हम पैसा बंटवा रहे हैं, ये पैसा खुले सवाले भी मिले हुए भैया पैसा बंटवा रहे हैं। ये देखिए सारे जा रहे बीजेपी और पुलिस पूरी। तो आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का एक एनवेलप है जो कि आरोप है कि यह डोर टू डोर कैंपेन के अंदर बांटा जा रहा है। ये इसी पुष्कर सिंह धामी के टूर में बांटा जा रहा है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन दिखाया गया है कि एक एनवेलप है, एक लिफाफा है जिस पे भारतीय जनता पार्टी का निशान बना हुआ है, उन्हीं का लोगो बना हुआ है, उन्हीं के बारे में लिखा गया है और उसमें से 1000 यानी कि 2 5-5 सौ के नोट निकल रहे हैं। इसके बराबर में जो ये वीडियो है जो हमने आपको दिखाया है, इस वीडियो में पुष्कर सिंह धामी खुद स्वयं नजर आ रहे हैं और प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने इसका विरोध किया, उन्हीं के इस ग्रुप के अंदर जैसे वो आगे चलते हैं तो पीछे पुलिसकर्मी और बाकी कार्यकर्ता उसी एनवेलप को डोर टू डोर कैंपेन में वो लिफाफे बांटने का काम कर रहे हैं, जैसा कि वीडियो में आवाज भी आ रही है और उसकी तस्वीर भी है। जो इल्जाम लगाने वाला आरोपी है, वो आरोपी जो आरोपी क्या मतलब जो आरोपी इन द सेंस जो आरोप लगाने वाला है वो भी खुद ये बताता है कि आप पैसा बंटवा रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन करके। तो भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र ये रोल दर्शकों बिल्कुल सामने इसलिए आ जाता है कि इनको वोट चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उम्र के इस पड़ाव में अगर देश का कोई बड़ा काम करते हुए नजर आते हैं तो सबसे ज्यादा प्रिय और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क जो नजर आता है वो है चुनाव का लड़ना, चुनाव की रैली करना। दर्शकों जरा अपने जहन पर जोर डालिए और ये बताइए और कमेंट्स बॉक्स में भी लिखिए कि आपने कब प्रधानमंत्री जी को देश के जबरदस्त और बुनियादी मुद्दों पर काम करते हुए देखा। 18-18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री जी का ज्यादातर समय चार तरह के कपड़े बदलना, जगह जगह रैलियां करना, वर्चुअल रैली के अंदर एक घंटा बोलना या टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए अपने अभिभाषण को देना या विपक्ष पर लोकसभा के अंदर आकर के हमले करना, ये तो नजर आता है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के चिमू से धर्म संसद के ऊपर दो शब्द निकले,
क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से बेरोजगारी के अंदर जो बढ़ते हुए जो है नजर आ रहे हैं आंकड़े, उसके बारे में आपने सुना? क्या आपने प्रधानमंत्री जी या हमारे अमित शाह या बाकी जिम्मेदार लोगों से मुंह से यह सुना कि साहब बेरोजगारी के अंदर 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं? या तो यह झूठा दावा है, और अगर यह झूठा दावा नहीं है तो सच्चाई क्या है, क्या इसके बारे में सुना? अंधभक्तों, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो यह आप सुनेंगे नहीं। आप सुनेंगे पाकिस्तान के बारे में, आप सुनेंगे राहुल गांधी के बारे में, आप सुनेंगे राहुल गांधी के परिवार के पर्सनल अटैक के बारे में, आप सुनेंगे दीदी ओ दीदी, आप सुनेंगे अखिलेश और योगी सरकार ने यह काम कर दिखाया, आप सुनेंगे कि साहब दूर दूर से दूरबीन से बदमाश नजर नहीं आ रहा, आप सुनेंगे कि दलितों को हमने बहुत ऊंचा बना दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देश की बुनियादी नीतियों पर आपने काम क्या किया ये बताइए। स्वास्थ्य के बजट पर पैसा कम कर दिया, सुरक्षा पे आप क्या कर रहे हैं, सड़कों पर आप क्या कर रहे हैं, रोजगार पैदा होने पर आप क्या कर रहे हैं, उपक्रमों को बेचने का काम कर रहे हैं, और फिर ये तमाम काम आप क्यों करते हैं? चूंकि आप सरकारों में आते हैं। सरकारों में किस माध्यम से आते हैं? दो माध्यम। पहला, आप लोगों को धर्म की चाशनी अफीम खिला करके मदहोश कर देना और ये बताना देखो राम मंदिर बन रहा है और सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ चंगा सी। और अंधभक्त सिर्फ इस आग में कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मुसलमानों के पेज को टाइट कर रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री जी को वोट दे देंगे। मनमोहन सिंह के मुकाबला है कोई आपका? 2004 से लेके 2015 तक 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाल दिया, यूएनओ की रिपोर्ट, अजीम प्रेम जी की यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट। आपकी क्या रिपोर्ट है? आपकी रिपोर्ट यह है कि आत्महत्या का जो है दर बढ़ गया है, बेरोजगारी में खुलेआम लाइव आत्महत्या कर रहे हैं लोग। मगर एक किस्मत की बात यह है, बदकिस्मती की बात यह है कि तमाम परिदृश्य आपके सामने हैं, लेकिन जो भी आपके सामने हकीकत लेके आने की कोशिश करता है उसको आप कह देते हैं कि या तो ये मुसलमान है, या ये मुसलमान परस्त है, या ये देश के खिलाफ है, या ये पाकिस्तान का एजेंट है, या ये एंटी नेशनल है। दर्शकों, एक बात बताइए, अगर मिसाल के तौर पर राकेश टिकैत, अगर मिसाल के तौर पे केजरीवाल, अगर मिसाल के तौर पे ममता बनर्जी या राहुल गांधी, अखिलेश यादव, नो डाउट ये आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन अकले सलीम, अकल तो आपके अंदर भी है, मोबाइल तो आपके हाथ में भी है, डाटा निकाल लीजिए। डाटे को कैसे जुटला सकते हैं आप? अमित शाह जी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जबरदस्त कर दिया, और हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ऐसा कर दिया, और इन्हीं के नेशनल एनसीआरबी के डाटे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इन्हीं के जारी करता जो है रिकॉर्ड दावे, वो ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से लेकर 2022 के बीच में बलात्कार ज्यादा बढ़ गए। वो अखिलेश यादव ने लिखे हैं क्या? ममता बनर्जी ने आगे हस्तक्षेप किया है, और फिर सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़, साम दाम दंड भेद सब कुछ करेंगे। मध्य प्रदेश में आप माधवराव सिंधिया के लड़के का दिमाग बरगलाएंगे, वो तोड़ कर ले आएगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनभक्त कहते हैं देर इज नो प्रॉब्लम। कर्नाटक के अंदर आप जोड़ तोड़ की सरकार बना लेंगे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोवा के अंदर 12 आपके एमएलए आते हैं, 17 कांग्रेस के आते हैं, आप सरकार बना लेते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि आप तमाम काम करते रहिए, व्यापम से लेके कोई सभी घोटाला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अगर है तो किसमें है? कि साहब कलमाणी ने कर दिया था 2G स्पेक्ट्रम और जो है कॉमनवेल्थ का घोटाला। अगर घोटाला किया तो जनता ने एक तरफ डाल दिया, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब क्या हो गया? चार चार जोड़ी कपड़े बदलते हुए प्रधानमंत्री जी दिख जाते हैं देशवासियों, क्या यह बात समझ में नहीं आती कि देश के मुद्दों पर, बुनियादी मुद्दों पर हमारा प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं है? और आप कमल के फूल की वोट करने की बात करने चले जाते, किसी को भी दीजिए, आपका अधिकार है, लेकिन यह बुनियादी मुद्दे कौन उठाएगा? 99% मीडिया इनके कब्जे में आ चुका है और यह कोई बात उठाने को तैयार नहीं है, और यह जो भी बात कहते हैं आपको यकीन आ जाता है। बताइए 1990 के अंदर मेल कर दी इन्होंने, ईमेल, दुनिया के अंदर पहला सेना दिया, सॉरी किसी भी देश का शासक जो है वो बराक ओ बिल क्लिंटन था जिसने मेल की है। अब ये कहते हैं कि मैंने मेल कर दी, आपको यकीन आ जाता है? भाई हद है पराकाष्ठा की। बहरहाल बड़ी खबर, उत्तराखंड के अंदर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर नोट खुलेआम बांटे जा रहे हैं और चुनाव तो जीतना है, यह है मतलब।
चुनाव आयोग हो अपने कब्जे में, तंत्र अपने कब्जे में हो, तमाम चीजें हो, जो भी झाल मेल तोल मोल जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करके रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ अंधभक्तों की बहुत बड़ी जमात है, वो हर बात को हमारे यस कहेगी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ, जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर।